हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी चैनल में। आज 29 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आज का वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5,000 अरब डॉलर। दोस्तों, G20 सम्मेलन में सभी नेताओं ने भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए 5,000 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सऊदी अरब के सुल्तान किंग सलमान की अध्यक्षता में G20 देशों की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित धनी प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक सतीश गुजराल का निधन हो गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित धनी प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक सतीश गुजराल का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कला के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए 1999 में पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको बताना है, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 104 वर्ष में इनका निधन हुआ है। दोस्तों, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का हाल ही में 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 140 देशों में फैले अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान का संचालन किया है। उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए 46,000 बहनों को तैयार किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, CBSE बोर्ड ने एफिलिएशन के लिए स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको बताना है कि CBSE बोर्ड ने एफिलिएशन के लिए स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल तक कर दिया है, सॉरी। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने हाल ही में स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तारीख 30 अप्रैल तक कर दी है। इसके लिए स्कूलों को कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक ने उच्च प्रोटीन वाले बायोफर्टिफाइड की किस्म विकसित की है। तो क्या विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ने उच्च प्रोटीन वाले बायो फोर्टिफाइड गेहूं की किस्म MCS 4028 विकसित की है। इस गेहूं की किस्म में लगभग 14.7% ज़्यादा उच्च प्रोटीन है और जिंक 40.3 PMM है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में किसी न किसी तरह आए लोगों को टेस्ट करने के लिए देहरादून, हरिद्वार कितने सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाएंगे, दो सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनेंगे। दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में किसी न किसी तरह आए लोगों को टेस्ट करने के लिए देहरादून और हरिद्वार में दो सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये दोनों कंट्रोल रूम्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को के कार्यालय में स्थापित किए गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है,
भारत के किस शहर में WWIHG के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देहरादून। दोस्तों भारत के देहरादून WWIHG यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अन्य हिमालय क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर में हो रहे बदलावों का प्रमुख कारण गर्मियों के तापमान में वृद्धि है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है COVID-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए किसने टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इन चार ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो दोस्तों COVID-19 पर स्टार्टअप जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए विज्ञान DST टास्क फोर्स का गठन किया है, साथ ही नए विकसित किए सॉल्यूशंस आदि प्रासंगिक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्न में से पूर्व भारतीय बल्लेबाजों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। तो आपको बताना है कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, तो कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर हैं। दोस्तों पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। वे कई सामाजिक संस्थाओं और चैरिटी से जुड़े हैं। उनसे पहले इरफान और यूसुफ ने बड़ौदा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को 4000 फेस मास्क दान किए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ में और किस फुटबॉल महासंघ ने खिलाड़ी अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह के कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि की है। आपको बताना है कि अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ और किस फुटबॉल महासंघ ने खिलाड़ी अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोमाली फुटबॉल महासंघ ने। दोस्तों अफ्रीकी और सोमाली फुटबॉल परिसंघ ने खिलाड़ी अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि की है। वे 59 साल की उम्र के थे और सोमालिया सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर एक कार्यरत है। दोस्तों देख लेते हैं शासन व्यवस्था में कोरोना के कुछ मामलों के घृण इंद्रियों का नष्ट होना। दोस्तों कि शासन व्यवस्था से संबंधित में कोरोना के कुछ मामलों में घृण इंद्रियों का नष्ट होना, तो ये चर्चा में क्यों है, इसको अगर हम देखें तो चर्चा में इसलिए है कि कोरोना वायरस से ग्रसित कुछ रोगियों में घृण इंद्रियों के नष्ट होने के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस का पता लगाने का एक नया संकेत हो सकता है। क्या हो सकता है, तो नया संकेत हो सकता है। तो इसमें प्रमुख बिंदु के बारे में अगर हम बात करें कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने COVID-19 के सबसे आम संकेतों को बुखार, थकान, सूखी खांसी रूप में सूचीबद्ध किया है। तो घृण शक्ति का नाश एनोस्मिया क्या कहलाता है, इसको अगर हम देखें दोस्तों, तो एनोस्मिया गंध की एक भावना का आंशिक या पूर्ण अभाव होता है। ये यहाँ होता है कि गंध की भावना का आंशिक या पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, खत्म हो जाती है। यह अभाव अस्थाई या अस्थाई दो हो सकता है। नाक में सूजन या किसी प्रकार के ब्लॉकेज के कारण होता है, जो गंध को नाक के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने से रोकता भी है। दोस्तों श्वसन वायरल संक्रमण गंध के अभाव के सामान्य कारणों में से एक है। गंध का अभाव संक्रमण के खत्म होने पर ही होता है, तो एनेस्मिया कहलाता है, घृण शक्ति का नाश कहलाता है। दोस्तों जो हमें सूंघने की शक्ति होती है वो सब घृण शक्ति ही होती है, और अगर उसका आंशिक या अगर उसका हो जाता है नाश हो जाता है, तो हमें ये सूंघने में दिक्कत हो सकती है, गंध की भावना समझने में दिक्कत होती है। तो एनेस्मिया के अन्य मुख्य कारण हैं भी हैं इस प्रकार से, तो नाक की श्लेष्मा झिल्ली परत में चिड़चिड़ाहट का जलन भी हो सकता है, नाक के मार्ग में रुकावट भी हो सकता है, और मस्तिष्क या तंत्रिका की क्षति भी हो सकती है। जो जटिलताएँ इसमें है दोस्तों एनेस्मिया में थे, तो एनेस्मिया से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और खाने में रुचि खो सकते हैं वो।
इससे वजन कम होना या कुपोषण की समस्या हो सकती है। स्वाद अनुभूति का अनुभव या एजुसिया भी हो सकती है। एजुसिया क्या कहलाती है इसको देखते हैं। तो एजुसिया एक ऐसी स्थिति है जो जीभ की स्वाद संबंधी क्रिया को पूर्णतः निष्क्रिय कर देती है। ऐसे लोग जिनमें स्वाद की क्षमता कम होती है उन्हें हाइपोगेसिया कहा जाता है। ऐसे लोग जिनमें स्वाद की क्षमता कम होती है उन्हें हाइपोगेसिया कहा जाता है। दोस्तों सामान्य कारण क्या होता है इसमें हाइपोगेसिया के, तो उम्र का बढ़ना भी हो सकता है, नाक की वायुमार्ग की समस्या भी हो सकती है, और ऊपरी मार्ग संक्रमण जैसे कि साइनस संक्रमण, गलसुओं की सूजन और गले में खराश हो सकता है। तो देखते हैं अगला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर जुबा शांति वार्ता, तो दोस्तों जुबा शांति वार्ता क्यों चर्चा में है इसको अगर हम देखें तो 25 मार्च 2020 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में अपने देश की सरकार और विद्रोहियों समूहों के बीच शांति वार्ता के दौरान सूडान के रक्षा मंत्री जमाल एल्दीन उमर इब्राहिम का निधन हो गया। तो दोस्तों इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं उसको हम देखते हैं अगर, तो उमर सूडान की संप्रभु परिषद के सदस्य थे जिसने पिछले वर्ष देश में सैन्य और लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के बीच 39 महीने के सत्ता साझा करने के समझौते के तहत सत्ता संभाली थी। इस आंदोलन ने पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो सूडान है, सूडान सरकार वर्ष 2019 में विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता को सफल बनाने का प्रयास कर रही है, और इस शांति वार्ता का आयोजन दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सूडान में राजनीतिक स्थिरता लाना है तथा राष्ट्रपति उमर अल बशीर के सैन्य शासन को समाप्त करने के बाद राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद करना है। तो सूडान में हुए कई विद्रोहों में हजारों लोग मारे गए हैं जिसमें पश्चिमी सूडान का दारफूर क्षेत्र और प्रमुख है, और इसी क्षेत्र में 2000 के दशक की शुरुआत में उमर अल बशीर ने क्रूरतापूर्वक नागरिकों का दमन किया था जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने युद्ध अपराध एवं नरसंहार के आरोप पर उमर अल बशीर को दोषी ठहराया है। तो सूडान की घटनाक्रम अगर हम देखें तो सूडान में 1 जनवरी 1956 को ब्रिटिश और मिस्र से आज़ादी मिलने के बाद सूडान में सत्ता को लेकर संघर्ष हो गया, और उत्तरी सूडान की अधिकतर आबादी मुस्लिम धर्म जबकि सूडान की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती हैं। उत्तरी सूडान के मुस्लिम समूहों द्वारा सूडान को कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र को में बदलने के संदेह के कारण दक्षिण सूडान के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया जिससे सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया तथा सूडान की सत्ता सेना के हाथ में आ गई। वर्ष 1965 में सूडान को में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए जिसके तहत एक मुस्लिम प्रभुत्व वाली सरकार सत्ता में आई, किंतु वर्ष 1969 में इस मुस्लिम सरकार का गफ्फर मोहम्मद अल निमर के नेतृत्व में तख्ता पलट कर दिया गया। निमरी ने सूडानी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक दलीय शासन स्थापित किया। निमरी के शासन में वर्ष 1972 के इक्वाटोरिया की आंतरिक स्वास्थ्य के लिए आदिस बाबा समझौता हुआ जिससे सूडान के दक्षिण प्रांतों में 70 वर्षों से चल रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि वर्ष 1983 में सूडान में मुस्लिम ब्रदरहुड की बढ़ती ताकत को देखते हुए निमरी ने सूडान में कानूनों को सख्त करने तथा इस्लामी कानून संहिता सीरिया के अनुरूप लाने के लिए अपनी नीतियों को पलट दिया। दक्षिण प्रांतों को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत लेने के लिए इसी वर्ष आदिस बाबा समझौते को भी निरस्त कर दिया गया जिससे दक्षिण के प्रांतों में फिर से अशांति एवं विद्रोह शुरू हो गया। वर्ष 1989 में क्या हुआ दोस्तों कि सूडान सरकार और दक्षिण प्रांत के विद्रोहियों ने युद्ध के समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू की, किंतु उमर अल बशीर के नेतृत्व में सेना ने सरकार तख्ता पलट कर दिया और उमर
उमर अल बशीर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। वर्ष 2003 में सूडान में दारफूर पश्चिम क्षेत्र में सूडान लिबरेशन मूवमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट समूहों द्वारा सूडान सरकार पर दारफूर क्षेत्र की अपेक्षा तो दोस्तों वर्ष 2004 में ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सूडान सरकार ने दक्षिण प्रांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया तथा इस संकल्प पत्र में दारफूर क्षेत्र में सैन्य समर्थित हमलों पर चिंता व्यक्त की। वर्ष 2009 में दोस्तों ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अल बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिस पर दारफूर क्षेत्र में मानवता एवं युद्ध अपराधों के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया। जनवरी 2011 में दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह कराया गया और 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया। तो उमर अल बशीर द्वारा तो हाँ दोस्तों भारत और सूडान के संबंध के बारे में अगर हम देखें तो भारत और सूडान के संबंध लगभग 5000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। बताया जाता है कि सिंधु वासी अरब सागर और लाल सागर के रास्ते सूडान में से व्यापार करते थे। वर्ष 1935 में समुद्र के रास्ते इंग्लैंड जाते हुए महात्मा गांधी सूडान के बंदरगाह पर रुके जहाँ भारतीय समुदाय द्वारा उनका स्वागत किया गया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समय भारतीय सैनिकों ने वर्ष 1941 में इरिट्रिया में सूडान के साथ मिलकर केरेन की निर्णायक लड़ाई जीती थी। वर्ष 1953 में सूडान का पहला संसदीय चुनाव भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन द्वारा आयोजित कराया गया था। वहीं वर्ष 1956 में सूडान को स्वतंत्रता मिलने के बाद वर्ष 1957 में गठित सूडान चुनाव आयोग में भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित नियम एवं कानूनों की सबसे अधिक मदद ली गई। तेल और गैस क्षेत्र पर सहयोग पर भारत सूडान संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नवंबर 2010 में खार्तूम शहर में हुई थी। भारत के सूडान के साथ मिलकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है जिसके अंतर्गत भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों द्वारा सूडान के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा सस्ते चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए भारत और सूडान के लिए प्रमुख गंतव्य स्थान बन गया है। सूडान और भौगोलिक परिदृश्य के बारे में अगर बात करें कि सूडान कहाँ पे और कैसे स्थित है तो सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह उत्तर में मिस्र, उत्तर पूर्व में लाल सागर और पूर्व में इरिट्रिया एवं इथोपिया, दक्षिण में दक्षिण सूडान गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीका गणराज्य, पश्चिम में चाड और उत्तर पश्चिम में लीबिया से घिरा हुआ है और अल्जीरिया और पूर्वी कांगो के बाद सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। आपको ये याद होना चाहिए कि अल्जीरिया और पूर्वी कांगो के बाद सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इथोपिया उच्च भूमि से निकलने वाली ब्लू नील और मध्य अफ्रीकी झीलों से निकलने वाली व्हाइट नील नदियाँ खार्तूम शहर में मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। दोस्तों मध्य अफ्रीकी झीलों से निकलने वाली व्हाइट नील और खार्तूम शहर में मिलकर नील नदी का निर्माण करती है जो उत्तर की ओर मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है। और संसाधन की अगर बात करें तो पेट्रोलियम सूडान का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ क्रोमियम अयस्क ताबा लो अयस्क अभ्रक चांदी सोना टंगस्टन और जस्ता का महत्वपूर्ण भंडार है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो इसमें आता है सबसे ऊपर नाम कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी किट। तो चर्चा में ये क्यों है दोस्तों, इसको अगर हम देखें तो हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 संक्रमण के निदान हेतु संदिग्ध रोगियों की जांच में मदद करने के लिए विनिर्माताओं को 500,000 एंटीबॉडी किट आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों प्रमुख बिंदु इसमें यह है कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए एंटीबॉडी परीक्षण एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा जो कुछ घंटों में ही त्वरित परिणाम दे देगा।
एंटीबॉडी परीक्षण वायरस के कारण शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया का पता लगाता है। यह एक संकेत देता है कि व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया है या नहीं। यदि परीक्षण संक्रात्मक है तो स्वाब एकत्र किया जाता है और पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किट का उपयोग करके एक राइबो न्यूक्लिक एसिड परीक्षण किया जाता है। इसलिए यह परीक्षण दो चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? तो दो चरणों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर आरएनए के बारे में अगर हम देखें तो आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह डीएनए से निर्देश लेता है जो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है और यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है जो से आरएनए का संश्लेषण होता है। यह डीएनए के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें जीवन के विकास एवं रख रखाव के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देशों को शामिल होते हैं। तो कुछ वायरस में डीएनए के बजाय आरएनए आनुवंशिक सूचना का वहन करता है। हालांकि एंटीबॉडी परीक्षण यह निश्चित रूप से संकेत नहीं देता है कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित है कि नहीं। इसका उपयोग मात्र स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए भारत केवल पारंपरिक आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांजेक्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन परीक्षण कर रहा है। एंटीबॉडी किट बनाम आरटीपीसीआर टेस्ट, अगर हम देखें कि एंटीबॉडी किट बनाम आरटीपीसीआर में क्या अंतर है, तो आरटीपीसीआर परीक्षण आरएनए से संबंधित वायरस अनुवांशिक सामग्री का पता लगाता है, जबकि एंटीबॉडी परीक्षण जो है वायरस से संबंधित शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाता है। आरटीपीसीआर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। क्या करता है? तो आरटीपीसीआर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है, जबकि एंटीबॉडी किट अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करते हैं। एंटीबॉडी किट की आवश्यकता क्यों है, हमें आपको ये जानना होगा। हम लोग के मन में ये क्वेश्चन उठते होंगे, एंटीबॉडी किट की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों, जहां लोगों की संख्या अधिक है वहां आरटीपीसीआर परीक्षण किट की कमी को देखते हुए एंटीबॉडी परीक्षण किट का प्रयोग किया जाएगा। आरटीपीसीआर परीक्षण अत्यधिक जटिल और महंगा है तथा अधिक समय लेता है, जिससे जांच में तेजी नहीं आती है। परिणामतः संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में एंटीबॉडी परीक्षण का प्रयोग किया गया था जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। दक्षिण कोरिया में यात्रा करने एवं सामूहिक संपर्क में आने वाले लोगों की जाँच के लिए एंटीबॉडी किट का प्रयोग किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में एंटीबॉडी किट का प्रयोग करके बड़ी संख्या में संदिग्ध मरीजों को संपर्क अनुरेखण कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे संपर्क अनुरेखण शब्द आया है, तो इसको अगर हम देखें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अगर हम देखें तो संपर्क है अनुरेखण संक्रमित व्यक्तियों से अन्य लोगों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की पहचान करने, आकलन करने और उन्हें प्रबंधित करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे क्वांटम प्रौद्योगिकी की अगर बात करें हम, और ये चर्चा में क्यों है, तो इसलिए है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-2021 में क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA के तहत 5 वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, इसलिए यह चर्चा में है। दोस्तों इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, अगर हम इसको हम समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस मिशन में के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकी को विकसित करना है एवं भारत को अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से न केवल अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि इससे रणनीतिक और आर्थिक फायदे भी होंगे। बजट में नई घोषणा से संसाधन समस्या को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी, लेकिन संपूर्ण विश्व उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति की कमी भी जूझ रहा है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, अगर इसको हम देखें तो क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकृति में छोटे परमाणुओं और कणों का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था।
इस क्रांतिकारी तकनीकी ने चरण में भौतिक दुनिया के प्रकाश और पदार्थ के बारे में हमारी समझ विकसित की है। साथ ही लेजर और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जैसे सर्वव्यापी आविष्कार किए हैं। हालांकि अनुसंधान की एक सदी के बावजूद क्वांटम दुनिया अभी भी रहस्यमय है और रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित हमारे अनुभव से दूर है। तो वर्तमान में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी को केंद्र में बनाए रखने के साथ एक दूसरी क्रांति चल रही है। क्वांटम कंप्यूटर में भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत प्रभाव के नियमों पर कार्य करता है। एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहित करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना क्वांटम बिट या क्यूबिट में संग्रहित होती है। सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग के सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट 0 या 1 में से किसी एक को ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं। वही क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। 100 क्यूबिट से कम की क्षमता रखने वाला क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाले उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर हो। क्वांटम कंप्यूटर की किसी बड़े वातानुकूलित सर्वर रूम में रखा जाता है, जहाँ कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैक में रखा जाता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये सुरक्षित संचार के तहत हो सकता है, अनुसंधान में हो सकता है, आपदा प्रबंधन और औषधि और औद्योगिक क्रांति 4.0 को सर्वाधिक करना और भारत में के संदर्भ में चुनौतियां क्या हैं इसको देखते हैं अगर तो विश्व स्तर पर क्षेत्र में अनुसंधान लगभग 2 दशक से चल रहा है, लेकिन भारत में केवल 5 वर्षों से कुछ ही संस्थानों में गंभीर प्रयोगात्मक कार्य हो रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों, उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति और समयबद्धता की कमी से जूझ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले क्यूबिट को क्रायोजेनिक तापमान पर ही स्थिर रखा जा सकता है, इसलिए इसका रख रखाव एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करने के लिए में अत्यधिक विकसित तकनीक तथा भारी निवेश की आवश्यकता होगी। आगे की राह के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार को NMQTA के घोषणा के साथ ही हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप द्वारा घोषित कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों पर अत्यधिक निवेश करने की आवश्यकता है। हालांकि क्वांटम प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित मुद्दों और इसे जल्दी से पूरा करने हेतु संस्थानों और वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो शासन व्यवस्था में COVID-19 टेस्टिंग किट की अगर बारे में बात करें तो हाल ही में पुणे में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माई लैब को COVID-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु हैं कि माई लैब का पहला स्थानीय स्वदेशी निर्माता जैसे COVID-19 के परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति दी गई है। माई लैब प्रबंध निदेशक के अनुसार मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए COVID-19 टेस्टिंग किट को स्थानीय तथा केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है। साथ ही इस किट के निर्माण में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र कॉन्ट्रेस फॉर द डिसेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा निर्धारित आवश्यक दिशा निर्देश का भी ध्यान रखा गया है। इस टेस्टिंग किट का पूरा नाम माई लैब पैथोडिटेक्ट क्वांटिटिव PCR किट COVID-19 क्वालिटिटिव PCR किट है। तो दोस्तों, माई लैब प्रबंध निदेशक के अनुसार निजी प्रयोगशालाओं द्वारा COVID-19 का परीक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कंपनी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अभी तक 12 निजी प्रयोगशालाओं ने पंजीकरण कराकर काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में माई लैब से जुड़ी इन प्रयोगशालाओं के पास पूरे भारत में 15,000 संग्रह केंद्रों पर COVID-19 के नमूने लेने की व्यवस्था है। अन्य प्रयोगशालाओं के पंजीकरण के साथ संग्रह केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो गई है। माई लैब प्रबंध निदेशक के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नेटवर्क के तहत 111 प्रयोगशालाओं के माध्यम से सरकार के पास एक दिन में 10,000 से अधिक नमूनों की जांच करने की क्षमता है। तो टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया, हालांकि COVID-19 के परीक्षण के लिए
भारत अधिकांशतः विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है, परंतु हाल ही में कई स्थानीय कंपनियों ने टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी में आवेदन किया था। ICMR के लिखित दिशा निर्देशों के तहत देश में उन्हीं कंपनियों की टेस्टिंग किट को COVID-19 के व्यावसायिक परीक्षण की अनुमति दी जाती है जिन्हें या तो US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति प्राप्त हो या यूरोपीय संघ द्वारा प्रमाणित किया गया हो। परंतु 23 मार्च 2020 को ICMR द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में यदि किसी टेस्टिंग किट को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्वीकृति प्राप्त है तो उन्हें USFDA यूरोपीय संघ की अनुमति के बिना भी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कैसे काम करती है यह टेस्टिंग किट। तो टेस्टिंग किट के बारे में अगर हम देखें तो इसको हमें समझना चाहिए कि MyLab के प्रतिनिधि के अनुसार इस परीक्षण के में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए संक्रमित व्यक्ति में वायरस के RNA की पहचान की जाती है। किसी व्यक्ति की उंगलियों की छाप मतलब फिंगरप्रिंट की तरह ही हर वायरस के RNA की एक विशिष्ट पहचान होती है। इस टेस्ट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज वेन रिएक्शन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव के अनुसार किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के लिए कम से कम 2 फिंगरप्रिंट की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही साथ परीक्षण के दौरान व्यक्ति में वायरस के प्रति कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं की भी जाँच की जाती है। MyLab के अनुसार इस टेस्टिंग किट के माध्यम से मात्र 2 घंटा 50 मिनट में ही परीक्षण के परिणाम जाने जा सकते हैं। टेस्टिंग किट से लाभ हम देखेंगे कि टेस्टिंग किट से लाभ क्या होता है। दोस्तों टेस्टिंग किट से लाभ ये हो सकता है कि वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में COVID-19 के प्रमाणिक उपचार की खोज नहीं की जा सकी है। वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में COVID-19 के प्रमाणिक उपचार की खोज नहीं की जा सकी है। ऐसे में इस बीमारी के नियंत्रण का एक ही विकल्प है, इसके प्रसार को रोकना है। इस टेस्टिंग किट के माध्यम से कम समय में ही संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर COVID-19 के प्रसार को रोकने की सहायता प्राप्त होगी। इस टेस्टिंग किट के परीक्षण के दौरान सभी प्रयासों में 100% सही परिणाम प्राप्त हुए हैं जो इस किट की विश्वसनीयता को सिद्ध और प्रमाणित करता है। वर्तमान में COVID-19 से बीमार हो रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सामग्रिक और प्रशासन के लिए यह महामारी एक गंभीर मानसिक तनाव दबाव का कारण बनी है। इसी स्थिति में स्थानीय टेस्टिंग किट के निर्माण जैसी छोटी सफलता से भी इस बीमारी से लड़ने में नागरिक स्वास्थ्य कर्मियों तथा सरकार का मनोबल मजबूत होगा। दोस्तों चुनौतियाँ क्या हैं इसमें, तो इसको देखें अगर तो हालांकि इस टेस्टिंग किट की लागत लगभग 1200 रुपये पहले से उपलब्ध अन्य विकल्पों से कम है, परंतु अभी भी बहुत से लोग बिना किसी आर्थिक सहायता के पूरे परिवार के लिए इस परीक्षण को नहीं ले पाएंगे। हाल के दिनों में देश COVID-19 में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अति आवश्यक है कि शीघ्र ही अधिक से अधिक संक्रमित लोगों की पहचान की जाए, परंतु किट के निर्माताओं के लिए सरकार के सहयोग के बाद भी कम समय में बड़ी मात्रा में लोगों के लिए किट उपलब्ध कराना है एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों COVID-19 की चुनौतियों से निपटने का अन्य प्रयास जो है, कुछ दिनों में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अन्य प्रयासों के साथ इस रोग के प्रसार की निगरानी करने और सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी की सहायता लेने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वेबिनार, दोस्तों इस प्रयास के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एक वेबिनार प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इस वेबिनार को आसान शब्दों में ऑनलाइन सेमिनार या इंटरनेट आधारित सेमिनार के रूप में समझा जा सकता है। इस वेबिनार के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सा सहयोगों, नर्सों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को प्रतिदिन एम्स के डॉक्टरों COVID-19 के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इस पहल के तहत COVID-19 के संदर्भ में स्थानीय भाषा के माध्यम से ज़्यादातर लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही इस पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से फेसबुक, व्हाट्सएप और चैट बॉक्स की शुरुआत की जाएगी और इस वेबिनार कार्यक्रमों को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। तो कोरोना कवच की अगर बारे में बात करें तो कोरोना कवच इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी करने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया है। यह ऐप
फोन में इंस्टॉल करने के बाद फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन की सहायता से संक्रमण के संभावित प्रसार की चेतावनी दे सकता है। वर्तमान में इस ऐप को अस्थायी रूप से कोरोना कवच का नाम दिया गया है। वर्तमान में ऐसे ही एक ऐप का प्रयोग सिंगापुर में किया जा रहा है। कैसे काम करता है ये ऐप, इसको अगर हम जानें तो यह ऐप फोन के ब्लूटूथ के माध्यम से किसी स्थान पर व्यक्ति से 3 से 5 मीटर की दूरी पर स्थित सभी लोगों के आंकड़े सुरक्षित रखता है। शुरुआत में इस ऐप में एक हरे रंग का सांकेतिक चिन्ह होगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी लैब में दर्ज की जाएगी। संक्रमण की पुष्टि होने पर ऐप में सांकेतिक चिन्ह का रंग लाल हो जाएगा। ऐप में प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले 14 दिनों के में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और उनके ऐप में सांकेतिक चिन्ह का रंग पीला हो जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगले 14 दिनों तक किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न आए। COVID-19 की जागरूकता के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें। दोस्तों, COVID-19 के बारे में सही जानकारी प्रदान करने और गलत सूचनाओं और समाचारों फेक न्यूज से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी नंबर 9013515515 दोस्तों 9013151515 पर एक हाय लिखकर भेजना होगा। यह सेवा वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। साथ ही इसे मराठी में उपलब्ध कराने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें भी इस सेवा को स्थानीय भाषा में जारी करने के लिए सहयोग कर रही हैं। दोस्तों, इस सेवा का 2 अन्य नंबर पर जारी करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल में एक ही नंबर पे अभी स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, चिकित्सा केंद्रों की जरूरतों के लिए मैप आधारित पोर्टल। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने COVID-19 के कारण चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अस्पतालों और वे लोगों जो सहायता प्रदान करने की इच्छा रखते हैं हो की बीच आसानी से संपर्क स्थापित कराना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न अस्पतालों की जरूरतों के आंकड़े एवं सिस्टम में दर्ज किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहयोग से एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें मानचित्र की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में स्थित सभी अस्पतालों और उनकी जरूरतों का आंकड़ा जारी किया जा सकेगा। इस पोर्टल की सहायता से इच्छुक व्यक्ति संस्थाएं अस्पतालों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकेंगे। दोस्तों, अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, पेट्रोल, डीजल और उत्पाद शुल्क में वृद्धि। दोस्तों, चर्चा में ये क्यों है, इसलिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि और वित्त अधिनियम की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया है। दोस्तों, प्रमुख बिंदु इसमें है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाले लाभ को बढ़ाने की कोशिश की है। पेट्रोल और विशेष उत्पाद शुल्क 2 से 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल के मामले में 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल पर सड़क उपकर को 1 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दोस्तों, राजस्व में वृद्धि की अगर बात करें हम तो उत्पाद शुल्क में वृद्धि सरकार से के राजस्व में लगभग 39,000 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी। सरकार ने नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाले लाभ को बढ़ाने की कोशिश हेतु पेट्रोल और डीजल पर 9 बार उत्पाद शुल्क लगाया है। सरकार ने वर्ष 2014-15 के पश्चात पेट्रोल पर 1.77 प्रति लीटर और डीजल पर 13.47 प्रति रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व आय वर्ष 2014-2015 में 99,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2016-2017 में 2,42,000 करोड़ रुपये हो गई। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार जहाँ इस वर्ष की पहली तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ता को काफ़ी मिला है, वहीं केंद्र के तंग राजकोषीय स्थिति को देखते हुए कुल राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क बढ़ाने का कदम उठाया है। बुनियादी ढांचे के विकास और व्यय की अन्य विकासात्मक वस्तुओं के लिए संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। वित्त अधिनियम की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। दोस्तों, पहले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में अधिकतम वृद्धि क्रम से 10 और 4 रुपये प्रति लीटर का प्रावधान था। अब वित्त अधिनियम की 8वीं अनुसूची में संशोधन से अब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में अधिकतम वृद्धि क्रमशः 18 और 12 रुपये प्रति लीटर का प्रावधान हो गया है। सदन ने COVID-19 के प्रकोप के कारण वित्त विधेयक के संशोधन लोकसभा में बहस के बिना पारित कर दिया गया।
दोस्तों वित्त विधेयक फाइनेंस बिल जो होती है वो साधारणतया वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व व्यय और संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। दोस्तों वित्त विधेयक के प्रकार अगर देखें तो वित्त विधेयक के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) के तहत और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) के तहत। तो इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया जाता है। तो एक बार इसको और देख लें तो इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के होते हैं किंतु सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के 110 अनुच्छेद में किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक को लोकसभा द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक 1 तथा 2 की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। तो अगला देखें शासन व्यवस्था स्लेटर इन प्लेस। दोस्तों चर्चा में ये क्यों है स्लेटर इन प्लेस कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए देश के नागरिकों से एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू का पालन करने का आह्वान किया था। अमेरिका में भी किसी आपदा की स्थिति में नागरिकों की आवाजाही पर नियंत्रित करने के लिए ऐसी ही एक व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसे स्लेटर इन प्लेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें मुख्य बिंदु यह है कि पिछले दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 प्रसार को देखते हुए देश के कई राज्यों में लोगों की आवाजाही को सीमित करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे। इसके तहत लोगों को जितना संभव हो अपने घर में रहने का निर्देश दिया गया और सामूहिक बैठक को कम करने तथा बीमार वृद्ध लोगों के संदर्भ में भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और 15 मार्च 2020 तक अमेरिका की कुल जनसंख्या के लगभग 1/5 लोगों पर घर पर ही रहने स्टे एट होम के आदेश लागू थे। आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों क्या है स्लेटर इन प्लेस, इसको अगर हम देखें तो अमेरिका के संदर्भ में यह कोई विधिक शब्द लीगल टर्म नहीं है। साथ ही इसके अर्थ और आशय भी अलग अलग हैं। सामान्य अर्थों में यह किसी प्रकार के प्रतिबंध को लागू किए जाने के बारे में जानकारी देता है परंतु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार अंततः इस प्रोटोकॉल का आशय किसी खतरे की स्थिति में है निर्णय लेना है कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि अधिकारियों ने निषेधात्मक आदेशों की है तरह अपीलों सुझाव कार्यकारी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही शहरों में व्यापारी संघ और हाउसिंग सोसाइटियों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को आह्वान का अनुसरण किया। दोस्तों सामान्य शब्दों में कहें तो भारत के साथ अन्य जगहों देशों में स्लेटर इन प्लेस सामाजिक दूरी के माध्यम से कोविड-19 के वैश्विक चुनौती के नेतृत्व करना है। दोस्तों 16 मार्च 2020 को कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन आदेशों का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं को जारी रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को उनके घरों में रहने और अपने सेल्फ आइसोलेट करने का आग्रह करना था। दोस्तों इस आदेश में लोगों को बाहर निकलते समय अन्य लोगों से कम 6 फुट की दूरी बनाने की भी सुझाव दी गई थी। दोस्तों चुनौतियां क्या है, कोविड-19 की महामारी के कारण विश्व की सभी देशों के स्वास्थ्य तंत्र पर भारी दबाव देखने को मिला है। कोविड-19 के प्रसार के लिए लंबी अवधि तक स्लेटर इन प्लेस इन जनता कर्फ्यू जैसे प्रयासों से लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण करना आवश्यक नियंत्रण का प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस तरह से प्रतिबंधों का प्रभाव देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिला है। उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने के से भारी मात्रा में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। दोस्तों निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि कोविड-19 की महामारी एक प्रभाव वैश्विक रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। वर्तमान में बिना किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव से इस महामारी के नियंत्रण का एक ही उपचार इसके प्रसार से सीमित करना, इस आपदा से निपटने सभी नागरिकों का सुरक्षा से अपना सहयोग देना चाहिए जिससे इस आपदा से होने वाली क्षति को सीमित किया जा सके। दोस्तों देख लेते हैं रैपिड फायर देख लेते हैं अगर क्वेश्चन में तो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का कोरोना वायरस
कोविड-19 के उपचार के लिए एक आवश्यक दवा घोषित किया गया था, जिसके पश्चात भारत ने इस दवा को अनुसूची H1 में शामिल कर दिया है, जिसके साथ इस देश में इस दवा के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके फार्मूले के साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूची H1 में शामिल किया है। नियमों के अनुसार अनुसूची H1 में शामिल दवा को पंजीकृत डॉक्टर की अनुशंसा के बिना नहीं बेचा जा सकता। साथ ही विक्रेता के लिए डॉक्टर भी कि उस पर्ची को ड्रग्स विभाग के पास भी जमा करना अनिवार्य होता है। यह अनुसूची वर्ष 2013 में प्रस्तुत की गई थी। अभी तक इस सूची में एड्स समेत ऐसी गंभीर बीमारियों की दवाओं शामिल की गई हैं जिनका शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होता है, किंतु मरीज की जानें बचाने के लिए इन दवाओं का प्रयोग आवश्यक होता है। दोस्तों देख लेते हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी मूडीज। दोस्तों वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि के पहले अपने अनुमान को घटाकर 2.5% कर दिया है। इससे पूर्व मूडीज ने इस अवधि के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.3% रहने का अनुमान जताया था। मूडीज के अनुसार कोरोना वायरस संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस आर्थिक गतिविधियों लगभग रुक गई है और इसी वजह से देश की वृद्धि दर घटने का अनुमान है। मूडीज के अनुसार भारत में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास नकद की कमी के चलते भारत में ऋण प्राप्त करने को लेकर पहले से ही बड़ी बाधा चल रही है। दोस्तों देख लेते हैं ऑपरेशन नमस्ते। दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते जो है, हाल ही में भारतीय थल सेना ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत सेना भारत सरकार को घातक बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। इस ऑपरेशन के तहत थल सेना ने अब तक 8 क्वार्टरटाइन स्थापित किए हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सैनिकों के परिवारों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। सेना ने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि परिचालन और सांसारिक कारणों से सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल है। भारतीय थल सेना भारतीय सशस्त्र बलों को एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1885 को ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में की गई थी। भारतीय सेना का प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय की सुरक्षा और राष्ट्रीय की एकता सुनिश्चित करना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश 100% LPG की बात करें अगर, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य में लगभग सभी लोगों के पास LPG गैस सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के पश्चात राज्य सरकार ने मई 2018 में शेष घरों को कवर करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी और 27 सितंबर 2019 तक राज्य में 2,64,000 LPG गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 68,64,000 राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उन सभी लोगों को शामिल किया गया था जिनके परिवारों में पेंशन भोगी आयकरदाता सरकार बोर्ड आदि में परिवार का कोई सदस्य नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन आपके एग्जाम के नज़र से इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई बात समझने में दिक्कत होती है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका अपना चैनल